आपका क्या इरादा है? तकरीर सुनने का कुछ मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। जो पड़े हैं सिर्फ उन्हीं का इरादा है या जो खड़े हैं उनका भी इरादा है? अरे इतनी जल्दी थक गए? उठाए रखो। अरे समझ में आवे कि मेरे समर्थन में कितने हो? वाह भाई वाह। हजरत इतनी अच्छी सेहत, जरा दोनों उठे। अब उठा लिए हो तो मेरे साथ हर एक की आवाज निकलनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर दो। अब बलियाबी की गुफ्तगु सुनो भी देखो भी। तीन पॉइंट है बलियाबी की गुफ्तगु में, तवज्जो चाहूंगा उलमाए इकराम की, खास तौर से मुफ्ती साहब। कहां हमारे मुफ्ती साहब? बैठे हैं हजरत, आगे आइए। स्टेजों पर जब भी बैठे मुफ्तियान इकराम पूरी तैयारी के साथ बगैर किसी रियायत के, और अल्लामा इमरान साहब मैं मुफ्ती नहीं हूं, माफी, इसलिए कि मैं उनका गुलाम हूं, जो हूं वही बताऊंगा। जहन को हाजिर कीजिए। एक है मुखबिर, एक है खबर। एक है खबर, एक है मुखबिर। अब भैया बैठ जाओ। हाँ, मैं क्या कह रहा था? एक है खबर, एक है मुखबिर। मान लो, मान लो चांद हो रामपुर में, उलमा इकराम की तवज्जो, चांद हो रामपुर में और खबर हो बरेली में, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। और जैसे ही किसी मुखबिर ने खबर दी, शहजादे हुजूर ताजु शरिया को कि रामपुर में चांद हो गया, तवज्जो चाहो, तो जिसने खबर दी, जिसने खबर दी, जानशीने हुजूर ताजु शरिया ने मुखबिर की पहले सूरत देखी। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। खबर तो है रामपुर में चांद होने की। प्लीज ऐसा नहीं करो, सुनना है तो सुनो, वरना बलियावी का रिकॉर्ड है, जलसे से जाके स्टेज से चढ़ के उतर गया हूं। मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी का एक एक मिनट कितना कीमती है, तुम्हारी जिंदगी का क्या है मैं नहीं जानता। तवज्जो चाहूंगा। उलमा इकराम दुआएं दे दे तो यहां से गुफ्तगू की कील ठोक दी। यानी मुखबिर की हैसियत देखी जाएगी, ये सादिक कितना है, ये सालेह कितना है, ये मुत्तकी कितना है, ये परहेजगार कितना है, ये पाबंदे शरा कितना है। तवज्जो चाहो, वो भी एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए। तवज्जो चाहूंगा, एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए। आई है, एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए। अब जहन को हाजिर करो।
जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? कौन था? सादात की बस्ती है ये भी पता नहीं? जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से, जोर से, जोर। कौन था? अल्लाह। जब कोई न था, जब कोई न था, जब आदम न थे, जब ईसा न थे, जब मूसा न थे, जब जकरिया न थे, जब शीस न थे, जब इदरीस न थे, जब याकूब न थे, जब सालेह न थे, जब कलीमुल्ला न थे, जब नजीबुल्ला न थे, जब खलीलुल्ला न थे, कोई न था, कुछ न था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद, न सूरज, न सितारे, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कौन? जोर से बोलो, कौन? और जब कुछ ना होगा, कहीं ना होगा, कोई ना होगा, तो कौन होगा? बस इसको दिमाग में बैठा लो। खबर मुखबिर, खबर मुखबिर, जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब शमशो कमर न थे, जब बर गुबर न थे, जब शजरो हजर न था, कुछ न था, तब रब ने अपने नूर से, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो के, किससे? जोर से बोल यार, किससे? तब बलिया भी कहता सऊदीया के ज़कात खोरो। अरे जब मिट्टी बनी ही नहीं तो महबूब में मिट्टी लगी कहां से? उलमा इकराम इजाजत दे तो मैं गुफ्तगू को थोड़ी आगे बढ़ा दूं। सुनोगे तो बोल दो, अरे रंग में बोल लो, एक बार झूम के या रसूल अल्लाह, मस्ती में या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक आदमी के वजूद में चार चीजें, मिट्टी, पानी, आग, हवा। और रब ने जब महबूब बनाया तो न मिट्टी है, न पानी, न आग है, न हवा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाएंगे। रब ने अपने नूर से एक महबूब बनाया। तवज्जो चाहो, जब महबूब बना दिया तो आलम तसव्वुर में बलिया भी सोचते रहा, मौला जिसे अपने नूर से बनाया ये कौन है? कहां महबूब? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, प्लीज। ए बेटे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। क्या बनाया? महबूब, महबूब। अर्ज की आलम तसव्वुर में ए रब्बे कायनात बनाया महबूब, वजूद बख्शा नूर से, वजूद नूर से, वजूद नूर से बनाया महबूब। मेरे मौला तेरे महबूब का कोई मनसब भी है? कान नबुवा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, पढ़े लिखे लोगों, कान नबुवा,
मौला बने मैं तेरे नूर से, बने तेरे नूर से मनसब नबूवत लकब महबूब। ए रब्बे जुल जलाल, इनका नाम भी है का अहमद। क्या कहा? अहमद, अहमद। बहुत दिक्कत हो रही है, आ जाइए जल्दी से आ गए जी, यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह बना ले। बोल दो सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो। चौ मुफ्ती साहब, जी वकार उलमा इकराम से इल्तिजा है कि बिल्कुल नाकदाना पहलू रख करके, इसलिए कि मैंने बड़ी सेंसिटिव इशू छेड़ दिया। तकरीरें बहुत सुने हो, आज सुन लो। बलियावी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहां से पाया हुआ माल है। तवज्जो चाहो, जहन को हाजिर करना। मनसब नबूवत, मनसब नबूवत। अच्छा एक बात बताओ रूपपुर वालों, मान लो थोड़ी देर के लिए आपकी आबादी का कोई आलिम, आपकी आबादी में है तो आलिम, दूसरी आबादी में जाए तो क्या आलिम रहेगा कि नहीं? रहेगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। अब मुल्क से बाहर चला जाए तो तब तो बलिया भी कहता इमाम अहमद रजा की हसद में अपनी सेहत गलाने वालों, काश रजा की तरह अपना दिल बना लिए होते तो तासुब का चश्मा खुद ब खुद गिर जाता, उतारना नहीं पड़ता। अमान नबी की आल, नबी की आल, आल। सैयदा फातिमा की औलादे मुल्क चाहे जो हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मुल्क चाहे जो हो, मकान तो बदल सकता खानदान नहीं बदलेगा। मकान तो बदल सकता खानदान नहीं बदलेगा। छप्पर में होगा तो सैयद होगा, हवेली में होगा तो सैयद होगा, मैदान में होगा तो सैयद होगा, मकान में होगा तो सैयद होगा। अब बलिया भी कोर्स करने दे मेरे अजीज, मनसब नबूवत, मनसब नबूवत, अजमत महबूब। बनाएगा मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले, जमीन से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले। जब बना दिया रब ने महबूब, तब रब ने फरमाया जमीन तू भी बन जा, आसमान तू भी बन जा, जन्नत तू भी बन जा, जहन्नम तू भी बन जा, अर्श तू भी बन जा, लौह तू भी बन जा, कलम तू भी बन जा। अब तवज्जो चाहो, जब वजूदे आदम तैयार हुआ, जब वजूदे आदम तैयार हुआ तो आदम के वजूद में मिट्टी भी, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलो बोलो बोल, मिट्टी भी, आग भी, पानी भी, हवा भी। जब मुजस्समे आदम तैयार हो गया, हाथ तो है हिल नहीं रहा, आंखें तो है देख नहीं रही, जबान तो है
बोल नहीं रही, सर तो है डोल नहीं रहा। तब रब ने फरमाया रूह दाखिल हो जा। जोर से जोर से तवज्जो, पहले इनकी तवज्जो चाहूंगा। प्लीज अगर कोई इस महफिल में बीड़ी पी रहा हो तो अल्लाह के वास्ते जल्दी से उठकर चला जाए, जल्दी से अपनी बर्बादियों के कागज पर दस्तखत न करे। मेरे मुस्तफा की ये बज़्मे मिलाद है, बज़हन हाजिर कर लीजिए। यार ये कहां से बुआ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्ब। छोड़ दो, उसका अंजाम वो खुद समझेगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था, चलो शुक्र है आप सुन रहे हैं, सिर्फ शरीर से नहीं हो आत्मा से भी हो। तवज्जो चाहो, रब ने फरमाया सब तो बन गया। बड़ा हसास है, आदम सब तो बन गया, फिर ये चलता क्यों नहीं, ये बोलता क्यों नहीं, ये उठता क्यों नहीं। तो पूरे वजूद ने कहा मौला सब हो रूह ना हो, सब हो तो कयामत तक ये ऐसे ही रहे। जैसे ही रूह दाखिल हुई तो पलट के निकल आई, वजूदे आदम से रूह बाहर आ गई। सवाल यह उठता मेरे परवरदिगार, तेरा हुक्म था दाखिल होने को, यह निकल क्यों गई। जोर से जोर से, रूह जो वापस आई तो रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगी, परवरदिगार वजूद आदम का, वजूद आदम का मंसब खलीफतुल्लाह। भैया जल्दी निकलो, प्लीज प्लीज, अब जल्दी करो। मंसब खलीफतुल्लाह, ये भी आइटम यही दिखना है। बाबू मैं अपनों के बीच में मोम से ज्यादा नरम रहता हूं, बलियावी को जिनको देखना है ना इसके असल मैदान में देखो, इसलिए जरा सा। रूह दाखिल होके पलटाई, रूह रब ने कहा दाखिल हो, निकली क्यों। तो रूह ने रब की बारगाह में इल्तिजा करके कहा मौला वजूद है खलीफतुल्लाह का, वजूद है खलीफतुल्लाह का, बना है पहला, बना है पहला, लेकिन रब्बे कायनात वजूदे आदम में चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ। और रूह की फितरत यह कि अंधेरे में घुटन लगे। तसव्वुर कर लो कि जब आपके रूम की लाइट अचानक बुझ जाए तो आपका दम घुटता है, बादे मौत जब कब्र में आंख खुलेगी उस वक्त का आलम क्या होगा। तसव्वुर कर लो, रूह जैसे ही लवट के आई पलट के अर्ज की मौला बड़ी घुटन है, तो मेरे माबूद ने वजूदे आदम में कोई चिराग रोशन नहीं किया, बल्कि अपने नूर से जिस महबूब को बनाया था। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगी इस जुमले पर, मोहम्मद अली बाबू इस जुमले पर।
रब ने अपने नूर से जिस महबूब को बनाया था, उस महबूब के नूर का एक हिस्सा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, महबूब के नूर का एक हिस्सा पेशानिया आदम में पैबस्त कर दिया। असल जुमला बारा, मेरे माबूद नबी आदम भी, खलीफतुल्ला आदम भी, तो अपना डायरेक्ट नूर आदम में क्यों नहीं डाल देता। अपना नूर डायरेक्ट क्यों नहीं डाल देता, तो जवाब मिलेगा सुन सुन, सिवाय महबूब के बाकी कोई नबी डायरेक्ट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अब जहन को यहीं रोक लो, समेट दो, और बलिया भी डंके की चोट पर कही था, भारत के सुन्नी हो डरना मत, डेमोरलाइज करने की कोई माई कलाल गरीब नवाज के आशिकों को न करे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, बलिया भी किसी की रियायत और चेहरा देख के नहीं बोलेगा, हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो मदीना देख के बोलेगा। तवज्जो चाहो, डरो मत, डेमोरलाइज मत हो, डेमोरलाइज मत हो, उस वक्त तक तुम्हारी नस्लें डरेगी जब तक तुम जाहिल रहोगे। बुखार की दवा है, कैंसर का इलाज है, टाइफाइड का इलाज है, जॉन्डिस का इलाज है, लेकिन डर का इलाज नहीं है। और वजूद से खौफ निकालने के लिए इल्म का कलम होना जरूरी है। तवज्जो चाहूं, भैया कोई दिक्कत ना हो तो बैठ जाओ, खड़े आप हो मुझको एहसास हो रहा, अगर जगह नहीं है तो क्या करोगे, बस 10-15 मिनट और बर्दाश्त करो, फिर हमारे शोरा से आप सुन लेना। तो मैं क्या कह रहा था याद है किसी, यानी ये तकरीबन 7 मिनट मेरा ऊपर ही ऊपर चला गया। तवज्जो चाहो, डरो मत, बलिया भी तो सीना ठोक के बोलता है, हिम्मत है तो कोई आवे ना डिबेट करे खुले मैदान में, अमन मैदान छोड़ के वो भागता जो यजीद के खेमे से निकला हो, हुसैन वाला कभी मैदान नहीं छोड़ता। नारे इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरे बाप की लाश दफन है, भारत से मोहब्बत हम इसलिए नहीं करते कि यहां मेरे दादा की हड्डियां गड़ी है। सुन, जमीन बन गई, आसमान तन गया, चांदो सूरज लग गए, शमशो कमर रोशन हो गए, सितारों की बारात उतर गई, फूलों में खुशबू दिख आ गई, पानी में मीठापन दिखने लगा,
खेतों में हरियाली आ गई, आसमान का डूबता और निकलता हुआ सूरज कह रहा है, डुबोने और निकालने वाला कोई है। जमीन की उसते कह रही है, पानी के कलेजे पर आबादी बसाने वाला कोई है। शमशो कमर की बारात कह रही है, रोशनी की खैरात देने वाला कोई है। तो खबर तो ये है कि कोई है। मुखबिर नहीं था, लेकिन अल्लाह की बहदानियत का, रब की रबूबियत का, रब की रबूबियत का, अल्लाह की बहदानियत का जो पहला मुखबिर आया, वो मक्के में नहीं आया, वो मदीने में नहीं आया, वो शाम में नहीं आया, वो रूम में नहीं आया, वो तुर्की में नहीं आया, वो फारस में नहीं आया, वो अमेरिका में नहीं आया, वो जर्मन में नहीं आया, वो जापान में नहीं आया। अल्लाह की बेदानियत का पहला मुखबिर आदम अला नबीना अलैहि तस्लीम भारत में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बेटा ये बता, क्या समझ के तू नारा लगाया? क्यों पैसे बर्बाद करते लोग जब समझने की औकात नहीं? यही पैसे इकट्ठा करके गरीब बच्चों को पढ़ा दो या गरीबों की बेटियों का निकाह करा दो। जब बज्म सजाए हो तो कुछ सोच कर तब बोलो। तवज्जो चाहो, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। जोर से, जोर से, जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले अहले इल्म की। हजरत मोहम्मद अली बाबा, नाम आदम, नाम बलिया भी कहता मेरे माबूद, तेरी वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। तब बलिया भी कहता है कि सिर्फ इसलिए भारत की मिट्टी से मुसलमान मोहब्बत नहीं करता हुक्मरानों, कि मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, बल्कि भारत की मिट्टी से सच्चा इश्क मुसलमान इसलिए करता कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में आया। पहला मुखबिर, पहला मुखबिर, जोर से पहला मुखबिर, जोर से पहला मुखबिर। अब बलिया भी अर्ज करता, ओ मक्की, ओ मदनी, अल्लाह का काबा बेला सुबह मक्के में। अल्लाह का काबा बेला सुबह मक्के में, लेकिन काबे का तवाफ करने वाला जो पहला हाजी है वो मक्के का नहीं भारत का है। नाम आदम, नाम आदम। अब अहले इल्म तवज्जो कर दे तो एक गिरह और खोल दूं। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे जोर से, जोर से। मैं समझता हूं कि ये हिस्सा आएगा तो रोक नहीं पाओगे। मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। अब जरा सा थोड़ी सी आप भी बोल लो। जमीन किसने बनाई? जमीन बनावे रब, मुल्क बनावे बंदे। जमीन बनावे रब, मुल्क बनावे बंदे। समंदर और दरिया पैदा करे रब, बंटवारा करे हुकूमतें। लेकिन मेरे रब ने जमीन तो बना दी, इसी जमीन में सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, अबरक भी है, अल्मुनियम भी है, लोहा भी है, ऑक्साइड भी है, केमिकल भी है, नेचुरल गैस भी है, पानी भी है, मीठा भी है, फीका भी है, तीता भी है,
शिफा भी है, जहर भी है, दवा भी है, अलालत भी है, लेकिन मेरे रब के महबूब ने मक्के का नाम नहीं लिया, बनाया जमीन रब ने, काबा बन चुका था, पहला हाजी आदम, रब का पहला मुखबिर आदम। अब जहन को यही करीब कर लो, पूरी दुनिया में परमाणु शक्ति का, एटमिक पावर और प्लांट का दावा अमेरिका करे, अमेरिका करे। कुछ मुल्कों को पेट्रोल मिला, कुछ मुल्कों को सोना मिला, कुछ मुल्कों को गैस मिला, कुछ मुल्कों को हीरा मिला, तवज्जो चाहो। लेकिन मेरे नबी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, मिस्र का नाम नहीं लिया, सूडान का नाम नहीं लिया। रसूले ताजदार ने क्या फरमाया, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, हिंद से ईमान की तब बलिया भी कहता, सुनो अकल के तुहर हो। प्लीज बेटे, फंसे हुए हैं ना। बलिया भी कहता अकल के टुवरो, मेरा खुदा वो नहीं है जो बंदों की रोटियों का मोहताज हो। जिसका माबूद बंदों की रोटी का मोहताज हो, सोच लो वो कितना बड़ा भूखड़ होगा। जो खाए वो खुदा नहीं, जो सबको खिलाए वो खुदा है। जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो सबको पैदा फरमावे वो खुदा है। अब जहन को यहीं रोक लो, जमीन कह रही थी इसका खालिक कोई है, आसमान कह रहा इसका खालिक कोई है, शमशो कमर कह रहे हैं इसका खालिक कोई है, अल्लाह की सारी मखलूक कह रही है पैदा करने वाला कोई है, लेकिन मुखबिर नहीं था, मुखबिर आदम, मुखबिर आदम, मनसब खलीफतुल्लाह। जब इंसानी आबादी आ गई वजूदे आदम से, वजूदे आदम से जब इंसानी आबादी आ गई, तब आदम सफीवुल्लाह ने क्या कहा, ए लोगो, ए लोगो, ए लोगो, पहाड़ माबूद नहीं है, पत्थर माबूद नहीं है, पानी माबूद नहीं है, जमीन माबूद नहीं है, पेड़ माबूद नहीं है, चांदो सूरज माबूद नहीं है, ये सब तो मेरे माबूद ने पैदा किए हैं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, इसलिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जितने लोगों के सामने कहा सय्यदना आदम अला नबीगना अलैहि सलातु तस्लीम ने, सारे लोगों ने कहा ए आदम, क्या कहा, जिस खुदा के सजदे की तुम बात कर रहे हो, क्या उस खुदा को देखे भी हो? तवज्जो चाहो, खबर यह कि चांद हो गया, तवज्जो चाहो प्लीज, खबर यह कि चांद हो गया। मुखबिर से जब जानशीन ताजु शरिया ने पूछा, काश ये गुफ्तगु कहीं और मैं किया होता, नहीं नहीं नहीं, क्या बात है, क्यों डंडा पर पीट के बुलवा रहे हैं, क्योंकि मेरे लोगों को यही सब समझाया गया, हो आ हे हो गया।
माफ करना मैं थोड़ी सी, उस रुख को नहीं चलता जिस रुख को सब चल रहे, मैं उस रुख को चलता हूं जिस रुख मेरी नस्लों का मुस्तकबिल बचे। तवज्जो चाहूं, आदम देखे भी हो रामपुर में खबर चांद हो गया, चांदेशी ने ताजू शरिया ने फरमाया खबर तो दे रहे हो कि चांद हुआ देखे भी हो। खबर देने वाले ने कहा देखा तो नहीं है, तवज्जो चाहो देखा तो नहीं है, लेकिन फला मुफ्ती ने बताया मार्केट में लोगों की अचानक बढ़ गई खरीदारी, समझ में आ रहा दूध लच्छा सेवई के लिए भाग दौड़, समझ में आ रहा क्या कहा देखे भी हो का देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, तवज्जो जो अल्लाह एक वैदउला शरीक, कौम ने पूछा ए आदम जिसे तू ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो देखे भी हो, आदम अल्लाह नबीना लही सलातु तस्लीम ने फरमाया देखा तो नहीं हूं, तवज्जो चाहो देखा तो लेकिन सफीबुल्ला हूं। काश ये बात कहीं और हुई होती, काश बलिया भी ये गुफ्तगु कहीं और किया होता। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीबुल्ला, लोगों ने कहा बात तो ठीक है लेकिन देखे नहीं हो, बात तो ठीक है, तवज्जो चाहूं बात तो ठीक है, अकल में बात आती जमीन बनाने वाला कोई है, मेरे वजूद में जिंदगी देने वाला कोई है, मेरी सांसों को लाने ले जाने वाला कोई है, मेरी आंखों की पुतलियों में रोशनी देने वाला कोई है, मेरे दिलों को धड़कने वाला बनाने वाला कोई है, लेकिन देखे तो नहीं हो का देखा तो नहीं हो, लेकिन मैं उसका सफीबुल्ला हूं, मैं उसका सफीबुल्ला हूं, खबर दे दिया, खबर दे दिया, चले गए, चले गए, तवज्जो चाहूं प्लीज प्लीज प्लीज, चले गए, चले गए, कब बोलोगे, जोर से जोर से जोर से जोर से, दिन गुजरते गया हालात बदलते गए सन जमाना बदलते गया आबादी बढ़ते गई फितने बढ़ते गए जरूरतें बढ़ती गई ब्रेन डेवलप होते रहा, अब जहन को हाजिर करना प्लीज थोड़ी सी भैया, जहन को हाजिर करना, बढ़ती हुई इंसानियत की आबादी पर एक हुक्मरान इक्तदार के नशे में सत्ता और पावर के नशे में पागल खुदाई दावा कर बैठा, जैसे आज वाला पागल हो गया, तवज्जो चाहो उलमा इजाजत दे दे अगर डरे ना हो तो, हमारा ये भारत है भारत जिस पागल का इलाज कोई किसी मुल्क में नहीं होता, उस पागल का इलाज इसी भारत में होता, जब भारत का पृथ्वीराज चौहान पागल हो गया था तो ठीक करने के लिए मोइनुद्दीन आ गए थे, नारे तकबीर,
जाए भी तो अधूरा। नारा रिसाला, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदीने की आमद, नारा हैदरी। हमारा गांव सैयद का है तो सैयद की अजमत बचाने वाला भी बरेली का है। तब बलिया भी कहता सुनो सुनो वो और हजरत होंगे जो सजना पढ़ के सैयद को सैयद माने। ये बरेली के अहमद रजा हैं जो सूंग के सैयद को सैयद मान लिए। जिंदाबाद। अरे बाप, एक बज गया, बस 5 मिनट। वैसा है ना, तकरीर करने आया हूं, दरगाह बनवाने थोड़ी आया। माफ करना, एक खान साहब की आबादी थी तो उस गांव में सब था, किसी बुजुर्ग का मजार नहीं था। एक हजरत पहुंच गए, गांव वालों ने कहा मेरे यहां तालाब भी है, पोखर भी है, स्कूल भी है, मदरसा भी है, कॉलेज भी है, सब है, लेकिन चादर कहां चढ़ाएंगे। और जब आप आ गए हैं तो जाने की मत सोचिए, तो ऐसा नहीं करो, काम करना है, बस जहन करीब कर लो, बोल दो मोहब्बत से। तब बलिया भी कहता ये भारत है, भारत, भारत की मिट्टी ने बड़े बड़े पागलों का इलाज किया। जब पृथ्वीराज इक्तदार के नशे में पागल हुआ तो गरीब नवाज ने इलाज दे दिया, और जब सऊदीया के ज़कात खोर अमेरिका के खैरात खाने वाले मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने लगे पागल, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने इलाज कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और नबी के इश्क का इनाम तो कयामत में दुनिया देखेगी देखेगी। अकल के टुवरों, अगर रोशनी बची है, गैरत मरी नहीं है, हलाल के लुकमे खाए हो तो नबी के इश्क का इनाम तुम अपने उसी मक्के में देख लो कि काबे की चाबी तेरे मुतवल्ली के पास है, लेकिन गुसल देने के लिए ताजु शरीका का इंतखाब है। नारे पापा पापा, नारे तकबीर, नारे रिसाला, गाजिए मिल्ला, बस्ती बस्ती, करिया करिया। जहन हाजिर, ये भी चले गए। सन की हुक्मरा को ये गुरूर था कि अब तो ये जमीन मेरी, आसमान मेरा, हुकूमत मेरी, जिसे चाहूं मारूं, जिसे चाहूं जिलाऊं। तवज्जो चाहूं, उसने अपने दौरे इक्तदार के जितने बुद्धिजीवी महामंडल के लोग थे सबको बुलाया, इंटेलेक्चुअल को, दानिश्वर को, बुद्धिजीवी को, बुद्धिमान को, पढ़े लिखो को, और कहा कि अब तो दूर दूर तक मेरा तख्ता पलटने वाला कोई नहीं है। इसी बीच में एक इल्मे नजूम का दानिश्वर था, बोला माफ करना, सितारों की चाल बता रही है कि तेरा तख्ता पलटने वाला आ गया है।
तवज्जो चाहता हूं। तख्ता पलटने वाला बोला कि मैं कत्ल करा दूंगा, का तेरे बस की औकात नहीं। जोर से जोर से जोर, का बादी फुकवा दूंगा, का तेरे गिरफ्त और तेरी पकड़ से बाहर है। खैर मना अपनी आ गया है, मुखबिर खबर खबर दी मुखबिर ने, वो एक है बेमिसाल है, वहदहुल्ला शरीक है बेनजीर है। रुकू उसके लिए, सज्दा उसके लिए, कयाम उसके लिए, रिस्क वो देता, हयात वो देता, सेहत वो देता। खबर दे दी चले गए, नजूमी ने कहा गया है, का ढूंढ के कत्ल करा दूंगा, का तेरे बस का नहीं। अचानक निशानियां दिखने लगी, अलामत दिखने लगी, पकड़वाया, का खलील आ तो गए हो लेकिन बोलना मत, हुकूमत मेरी है, इख्तदार मेरा है। खलीलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम गलत फहमी में हो, रब ने भेजा ही है बोलने के लिए। काग में डाल दूंगा, फरमाया ये गीदड़ भभकिया किसी और को देना जो खलील ना हो। वो खलील कैसा जो कुर्बानी ना दे सके, वो खलील कैसा। और बलिया भी कहता है कि माफ करना, जो जानवर रब के नाम पर जबह होते हैं उसकी बरकतें कोई हुकूमत नहीं रोक सकती। अब दिल को यहीं थाम लो, एक बकरी बहुत ज्यादा बच्चा दे तो दो से तीन, बोलो सही है कि गलत। अरे जोर से बोलो। और कुतिया अजय, एक बात बताओ, जितने खस्से और खस्सी और बकरे जबह होते क्या कुत्ते भी हैं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। एक से एक वैरायटी के कुत्ते आते हैं, और कुछ कुत्तों ने तो ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं। भाई का गरीब बेटा दूध के घोट के लिए तरसता है, लेकिन दूसरा भाई अपने भाई को रोटी के टुकड़े तो नहीं देता, अपने कुत्ते को 3 लीटर दूध पिलाता है। याद रखना, जब रब के नाम पर जानवर जबह किया जाए तो एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा बकरे जबह भारत में। अमर जो 3 महीने में जबह होते हैं, जितने परसेंटेज में 3 महीने में जितना जबह होते, कुर्बानी के मौके से उतने 3 दिन में होते। क्या जरूरत, फिर भी कुर्बानी के तीसरे दिन देखो तो मोहल्ले में उतने ही टहलते नजर आते हैं जितना कुर्बानी से पहले दिखते थे। बोलो सही है कि गलत। सैयदना खलीलुल्लाह फरमाते, आंखें मत दिखा, डराने की गलती मत कर, मैं खलील हूं, काग की गोद में डाल दूंगा। कहा ये भी आजमा ले, जब आपके शोले भड़क गए, आग के शोले भड़क गए,
दुनिया मुंतजिर है कि अल्लाह की वहदानियत के मुखबिर को, उसके महबूब के अजमत के मुखबिर को आग के गोद में डाला जाएगा। जब शोले भड़क गए, आसमान से लिपटे बातें करने लगी, खलीलुल्लाह को आग में झोंक दिया गया, दुनिया आंखें फाड़ के देख रही है, आग की फितरत है कि जला दे, डाला गया है आग में, देखो खलीलुल्लाह कहलाने वाला कैसा निकलता है। आंखें मुंतजिर हैं, आंखें फटी की फटी हैं, दुनिया देखती रही। सैयदना खलीलुल्लाह आग की गोद से मुस्कुराते हुए बाहर आते, जैसे ही लोगों ने खलीलुल्लाह को आग की गोद से मुस्कुराते आता देखा तो पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे, कहीं आप वही नबी तो नहीं है, कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिस नबी के नाम की बरकतों से आदम की दुआ कबूल हुई, कहीं आप वही महबूब तो नहीं है जिनके नाम की बरकतों से यूनुस को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिनकी वजह से रब ने ये सब बनाया। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं तो तुझे तसल्ली दिलाने आया हूं कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले। ये भी खबर देकर चले गए, ये भी खबर देकर चले गए, जहन को हाजिर रख, ये भी खबर देकर चले गए। मचा किसी के हुस्न का हंगामा मिस्र में, हजरत आपका क्या नाम है, मुफ्ती साहब इमरान रजा, उमर रजा, आप दोनों के घर बहू आई है कि नहीं, आ गई, माशाल्लाह, कोई जरूरी नहीं बड़े भाई की ही है। अच्छा एक बात बताओ रूपपुर वालों, आपके गांव में किसी के घर बहू आती है तो मोहल्ले की औरतें देखने जाती हैं कि नहीं, अरे जोर से बोलो। मान लो किसी के घर कोई बहू आवे और कोई औरत उसकी बहू को देखने के लिए छुरी लेके जाए, तो कोई औरत अपनी बहू दिखाएगी? क्यों? जैसे ही किसी औरत के हाथ में छुरी देखेगी तो उस बहू की सास बेटे की मां बोलेगी, माफ करना बहू की तबीयत ठीक नहीं, मैंने कहा सबको दिखा दिया इसको भी दिखा दी, कहा दिखा तो देती लेकिन छुरी लेके आई, तवज्जो चाहो, दिल लगाइए, गुफ्तगू का ये हिस्सा बस लास्ट। हंगामा हुस्न का, डंका बजे हुस्न यूसुफ का, मिस्र की औरतों ने जुलेखा को घेर लिया और घेर कर औरतें कहने लगी, ओ जुलेखा सुना तेरा यूसुफ बहुत खूबसूरत है, एक बार दिखाओ ना, क्या कहा, एक बार दिखाओ ना। जुलेखा ने कहा देख लेना लेकिन खाली हाथ मत आना। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, फहीम बाबू
मोहम्मद अली बाबू, बस एक जुमले के लिए मैंने इतनी दूर की तमीज चली है। खाली आत्मा ताना काफिर का मिठाई और तोहफे लेकर नहीं, चाकू लेकर। कब बोलोगे यार, बोल बोल। मेरी अक्ल हैरत में, देखना आंखों को था खंजर की जरूरत क्या थी, तवज्जो चाहूंगा हिले। देखना आंखों को था खंजर की जरूरत क्या थी, तो सैयदा जुलेखा कहेंगी बेवकूफ असल तो हुस्न की मतन, हुस्न की मतन महबूब है, हाशिया यूसुफ है, इबारत मुस्तफा है, शरह यूसुफ है। आ गई औरतें हुस्न पर्दे में, आंखें बेचैन, कब पर्दा खसके की हुस्न देखें। जुलेखा ने कहा हाथ में लेमन छुरी लेकर तैयार हो जा, हो गई। ऐलान किया लेमन पे छुरी रख दो, रख दिया। कान नजरों को संभाल लो, संभाल लिया। दिलों को थाम लो, थाम लिया। पर्दा खसका, हुस्न यूसुफ दिखा है, निगाहें टिकी हैं। जो निगाहें टिकी हैं, ऐलान हुआ लेमन कटो, कटो। लेमन कटने लगा, निगाहें टिकी रही, छुरी चलते रही, नजरें टिकी रही। लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। खून गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। कट गई उंगलियां, निगाहें हटी नहीं। अब बलिया भी कहता अकल के टुअरो बोलो, क्या अल्लामा इकबाल भी बरेलवी थे, बोलना पड़ेगा। अमा वो हुस्ने यूसुफ था जिसे देख कर उंगलियां काटी गई, ये हुस्ने महबूब है, देखने के बाद गर्दने कटेगी, गर्दने कटेगी। जिंदाबाद, आला हजरत ताजू शरिया, मरहबा। बस दो मिनट, तवज्जो चाहो। जैसे ही देखा लोगों ने हुस्न यूसुफ घेर लिया, और घेर कर लोग कहने लगे सच बोलिए, कहीं आप वही तो नहीं है जिसके आने का इंतजार सबको है। चांद बना है इंतजार कर रहा है, मुझे उंगलियों पर घुमाने वाला कब आएगा। तवज्जो चाहो। सूरज बना है इंतजार में है, डूबने के बाद पलटाने वाला महबूब कब आएगा। कब आएगा, जहन को हाजिर करो, जहन को हाजिर करो। अचानक 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त काबा झूम रहा, मस्तियों में है, झूम रहा मस्तियों में है। हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, जालिम बाप के हाथों गड़ने वाली बेटियों के होठों पर मुस्कुराहट है। तवज्जो चाहो, भरोसा जाग गया है। प्लीज, नहीं बेटे, जो करना हो। भरोसा जाग गया है, काबा झूम रहा है मस्ती में, आलमे तसव्वुर में झूमते हुए काबा से बलिया भी कहता हो काबा आज इतना मस्त क्यों है, आज इतना मस्त क्यों है। खाने काबा बोला मेरी गुंगी दीवार मत देख, मेरी गोद देख, गोद गोद। मैंने कहा कि अरे पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं। जुमले पर तवज्जो करें मोहम्मद, तो खाने काबा बोल पड़ा अक्ल से पर्दा हटा के देख।
अक्ल से देखा तो 360 यमराज लोग जो बरसों से कब्जा करके पड़े थे सब उल्टे पलटे औंधे मुंह गिरे पड़े सब उल्टे पलटे औंधे मुंह। मैंने कहा जी न भूकंप आया न जलजला आया न बुलडोजर आया आप कैसे उलट पलट गए तो काबे की गोद के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े। हैरत है तेरे आदमी होने पर। क्या कहा? हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नूरे मुजस्सम आ गया। तुम आदमी होकर न जान सके। तो अब बलियाबी की एक बिनती मान लो। तकरीरें सुनाकर अपनी औलादों को सुन्नी मत बनाओ, अकीदा पढ़ाकर सुन्नी बनाओ। जी जी बेशक। मत खाओ तीन टाइम दो टाइम खाओ। कोई जरूरी नहीं मकान में टाइल्स मार्बल एसी लगाओ। हम सबों के बाप दादा और कई पुश्ते टूटी खाट और टूटी चटाई पे जिंदगी बिता ली है। मेरे अजीज निकाह को सस्ता करो। जमीन बेचकर वलीमा मत खिलाओ। और अगर बेटा पैदा किया है तो अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। इंसान जानवर का सौदा करता है, अपने खून का सौदा नहीं करता। अब अगर तूने अपनी औलाद की कीमत 5 लाख एक मोटरसाइकिल रखा, अगर तूने अपने बेटे की कीमत 3 लाख रुपया एक 4 चक्कर रखा, तो फिर अपनी औलाद को सुधरने के लिए तावीज मत मांगना किसी बुजुर्ग से। मेरे बुजुर्गों ने इंसानों के लिए तावीज जारी किया है, जानवरों के लिए नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं जमाना मुखालिफ है, रहने दो। सिर्फ 5 साल के लिए बलियाबी भीख मांगता तुझसे तेरी औलादों के लिए। मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो टूटी खाट पर। मत मोबाइल दिलाओ अपनी औलादों को 25,000 का, बंद करो। माफ करना, अगर हिम्मत है ना तो अपने घर की चौखट की इज्जत बचा ले रे। इस वक्त मेरी बेटियां मेरी औकात से बाहर चली गई हैं और इस फितने के पीछे मोबाइल का डब्बा है। है किसी के बाप की औकात जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? बाबू नहीं कर सकते हो। अंदर का ईमान वाला तेरा मर्द मर चुका है, लाश खड़ी है, जमीर मर चुका है, सांसें चल रही है, अंदर की रूह कमजोर हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, रूपपुर के गली और चौक चौराहा ओटा पर बैठकर मोबाइल का डब्बा लेकर कंपटीशन मत करो पबजी गेम खेलने का। कंपटीशन करना है तो गली और मोहल्ला वाइज पढ़ने में कंपटीशन करो। और जलसा कराने वालों, सिर्फ नारा लगाकर अपनी नस्लें नहीं बदल सकते हो।
जलसा करो, चंदा जम के करो, लेकिन जलसा सस्ता करो। और ऐलान कर दो कि मिलाद कमेटी कौन कमेटी है? आले रसूल कमेटी। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो आले रसूल कमेटी की तरफ से कि जो अगले साल मेरे गांव का बच्चा हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन टॉप करेगा, अगर उसका बाप आगे नहीं पढ़ा सकेगा तो आले रसूल कमेटी के नौजवान उसकी फीस जमा करके पढ़ाएंगे। तहरीक चला दो। और बलियावी की आखिरी बात अपने दिमाग में रख लो, सब हो, सर भी हो, जिस्म भी हो, जबान भी हो, पैर भी हो, हाथ भी हो, सब हो, रूह ना हो तो जिस्म किसी काम का है? है काम का? तो जिस तरह सब हो रूह ना हो तो जिस्म किसी काम का नहीं, उसी तरह नमाज हो, रोजा हो, हज हो, जकात हो, तवाफ काबा हो, तहज्जुद हो, तिलावत हो, सब हो, नबी का इश्क ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुब्बे रसूल के बगैर रूह किसी काम के नहीं। अल्लाह तबारक व ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो जहां है वहीं इत्मीनान से बैठा रहे। अगर हिल डोल भाग भूक करोगे या उठा बैठी वसाफा मसाफा मुआनका के चक्कर में, हजरत हमारे नौजवान लोग आलिमों को स्टेज पर ऐसे लाते ले जाते हैं जिसे लगता है पहलाम करने ले जा रहे। इज्जत से लाओ, एहतराम से ले जाओ, उनकी इज्जत अफजाई में भी कमी ना हो, एहतराम में भी दिक्कत ना हो, और लोग देख कर कहें कि ये देखो मुस्तफा का वारिस जा रहा है। किस मुनकसरुल मिजाजी के साथ जा रहा है और किस मोहब्बत से लोग ले जा रहे हैं। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास से। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।